हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस. इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम आई नो, बट फाइनली आई एम बैक विद अ वीडियो. सो यस अगेन आई हैव ऑर्डर्ड टन्स ऑफ फ्री सैंपल्स फ्रॉम सिमिटन वेबसाइट, लाइक बिकॉज आई रियली यू नो आई गेट इम्प्रेस्ड विद दैट सिमिटन वेबसाइट. सो आई वॉज लाइक कि चलो लेट्स ऑर्डर इट अगेन, बिकॉज मेरे पिछले 6 ट्रायल्स जो थे वो पेंडिंग में थे, बिकॉज मैं लास्ट ऑर्डर मंगवाया था उसके थ्रू मुझे जो है 6 ट्रायल पॉइंट्स दोबारा मिल गए थे. तो उन 6 ट्रायल पॉइंट्स से अगेन मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, एंड अगेन दिस पाउच इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम सिमिटन. सो कुछ इस तरीके का जो बॉक्स है मुझे रिसीव हुआ, और जिसके पीछे यू नो सब कुछ लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में, विच आई हैव एक्चुअली रिसीव्ड, जिसमें टोटल 7 आइटम्स हैं, जिसमें से 6 तो मेरे ट्रायल पॉइंट्स की हैं, और बाकी जो है वो एक ये है जो कि मुझे एब्सोल्युटली फ्री मिला था. इट्स जस्ट सेम जो मैंने पहले मंगाया था, मुझे उसके साथ भी एक यूटिलिटी पाउच मिला था, बट उसका थोड़ा डिजाइन स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट था. बट इसका डिजाइन स्ट्रक्चर मुझे उससे थोड़ा बेटर लग रहा है, बिकॉज इसमें भी लिटरली काफी स्पेस है. यू कैन यूज दिस एज योर मेकअप पाउच, लाइक अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप छोटा मोटा मेकअप इसमें आराम से रख के ले जा सकते हो. सो मुझे ये यूटिलिटी पाउच जो है वो काफी पसंद आया है. ऊपर से जो इसका यू नो कलर है, इट्स माई फेवरेट ब्लश पिंक कलर, तो ये बहुत ही गर्ली वाइब देता है. इट्स माइंड ब्लोइंग, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पर्सनली. आई रियली लव दिस, और मैं इसको डेफिनेटली यूज करने वाली हूँ. द जिप क्वालिटी इज अमेजिंग, और इस पे सिमिटन लिखा हुआ है, जो कि मतलब पिछले यूटिली पाउच पे भी लिखा हुआ था. तो चलो अब आते हैं जो सारी प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं, आप देख सकते हैं. तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट्स जो है वो मैंने इसमें मंगाए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये लेंस, जो कि अगेन मुझे सिर्फ 1 ट्रायल पॉइंट के मिले हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना एक मंगा लूँ. दे आर ब्लू कलर के आई लेंसेज. पर्सनली गाइज मैंने कभी भी आई लेंसेज जो है यूज नहीं किए हैं, तो मतलब मैं सोच रही थी कि यार एकदम मंगाने से अच्छा मैं क्यों ना ट्रायल्स पे मंगा के देखूँ, कि क्या पता मैं इनको यूज करूँ तो कहीं मेरी आई में कोई इचिंग वगैरह ना हो जाए. तो इसलिए मैंने सोचा एक बार ट्रायल के लिए मंगा लेते हैं. तो मैंने बस अभी ये मंगा लिया है. ये ओनली 1 टाइम यूज है, मैं सिर्फ एक बार इसको यूज कर सकती हूँ, दोबारा इसको यूज नहीं कर सकती. सो मैं सोच रही थी मैं कहीं जाऊंगी या फिर यू नो कोई फंक्शन होगा तो मैं उसमें इनको ट्राई करके देखती हूँ. आई होप कि ये काफी अच्छे निकले. सो आई एम टोटली क्रेजी अबाउट दिस. सो द नेक्स्ट आइटम विच आई एम गोना शो यू इज दिस. ये है वाओ स्किन साइंस का विटामिन सी फेस वॉश, विच इज यू नो 1 ट्रायल पॉइंट्स का था ये भी, एंड इसके अंदर है विटामिन सी, विच इज यू गाइस नो विटामिन सी इज डैम गुड फॉर योर स्किन ब्राइटनिंग. एंड इसमें काफी सारी यू नो ऑरेंज एसेंशियल ऑयल्स भी हैं, लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल्स, अगेन विटामिन सी. सो जो मैंने लास्ट फेस वॉश मंगाया था सिमिटन से, जो कि आई थिंक प्लम का था, तो ट्रस्ट मी गाइस वो एक तो मेरा पूरा एक महीना चल गया, बिकॉज मैं उसे सिर्फ शाम को ही अपना फेस वॉश करती थी, बाकी सुबह मैं दूसरे वाले से करती थी, शाम को मैं दूसरे वाले से करती थी. तो ऐसे करते करते भी वो जो इतना छोटा सा फेस वॉश था वो मेरा टोटल एक महीना तो चल ही गया, लाइक हाँ मतलब अप्रॉक्स एक महीना वो मेरा चल गया था. तो इसके साथ भी मेरा यू नो मैं सोच रही हूँ कि काश ये भी इतना ही चल जाए ताकि मैं आगे फिर एक और मंगा लूँ. तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार वाओ का ट्राई करके देखते हैं. ऑल्दो मुझे प्लम का काफी पसंद आया था, एकदम जेल बेस्ड फॉर्म में था. इसमें भी यू नो कोई भी पैराबेन नहीं है, कोई भी सल्फेट नहीं है. द ओ माय गॉड, ये काफी यू नो ऑरेंजी सा इसकी स्मेल है, और ये काफी अच्छा है. इसकी जो क्वांटिटी है वो सिर्फ है 25 ml, जो कि आई थिंक इतनी कोई कम भी नहीं है. अगर आप देखें तो सिर्फ एक ट्रायल पॉइंट में आपको इतना बड़ा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई आपको बैड डील है. आपको बिल्कुल यू नो एक बार ट्राई कर लेना चाहिए. मैंने अभी तक इसको अपने फेस पे ट्राई नहीं किया है, बिकॉज मेरा पुराना ही चल रहा है, तो जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद ही यू नो मैं इस पे आऊंगी.
तो अगर आपको रिव्यूज चाहिए हो इन प्रोडक्ट के तो प्लीज मुझे बता देना गाइज, मैं वो भी डाल दूंगी जैसे मैंने लास्ट टाइम डाला था आफ्टर 1 वीक यूज करके। तो देखा जाए तो उसमें कोई भी केमिकल नहीं है, इट्स जस्ट सेम एज प्लम, और ये भी 100% वेगन ही है। तो ऑफकोर्स ये वर्क करने वाला है और ये काफी अच्छा वर्क करने वाला है। आई एम टोटली यू नो ओके। सो द बाकी के जो आप आइटम्स देखेंगे वो सारे मैंने प्लम से मंगाए हैं, बिकॉज मैं पर्सनली प्लम से काफी ज्यादा यू नो इम्प्रेस्ड हुई हूँ। मैंने लास्ट टाइम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मंगाया था प्लम का, और उस एक प्रोडक्ट ने ना मेरा माइंड एकदम ऐसे डाइवर्स कर दिया कि यार यू शुड बाय मोर प्रोडक्ट्स ऑफ यू नो दिस ब्रांड। सो मैंने मंगाया है, नेक्स्ट इज दिस, ये है प्लम का फेस स्क्रब, जिसकी क्वांटिटी भी सेम एज द फेस वॉश है, बिकॉज इतना ही बड़ा था वो। तो आई रियली होप कि ये भी काफी अच्छे लंबे टाइम तक चलेगा, बिकॉज फेस वॉश तो मैं फिर भी रोज यूज कर लेती हूँ, बट स्क्रब तो यू नो हफ्ते में दो ही बार यूज हो पाएगा मेरा। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि ये काफी अच्छा खासा चलेगा। और अगर मैं क्वांटिटी देखूँ ना, तो आपको तो नहीं दिख रहा होगा बट मुझे दिख रही है, जो कि आई थिंक यहाँ तक मुझे शो हो रही है। तो आई थिंक इसकी क्वांटिटी भी काफी अच्छी है एज अ सैम्पल। इट्स 99 रुपीज अगर आप यू नो मनी से लेते हो तो, बट मुझे ये पड़ा है सिर्फ एक ट्रायल पॉइंट का फेस वॉश एंड दिस फेस स्क्रब। ये दोनों मुझे पड़े हैं ओनली 1 ट्रायल पॉइंट के। सो गाइज, नेक्स्ट आइटम दैट आई एम गोना शो यू इज अगेन अ प्लम आइटम, बट दिस इज अ हेयर मास्क जो यू नो मेगा मॉइस्चराइजिंग है, बिकॉज मैं अपने हेयर में, मैंने लास्ट टाइम भी जो हेयर मास्क मंगाए थे वो काफी ज्यादा इफेक्टिव थे, और वो आई थिंक ममा अर्थ के थे। आई थिंक एक ममा अर्थ का था, दूसरा कोकून का था। कोकून का अभी बचा हुआ है, वो मैंने अभी तक यू नो नहीं लगाया है, बट ममा अर्थ वाले ने आई थिंक मेरे बालों में काफी अच्छा फर्क दिखाया था। ऑल्दो वो सिर्फ हेयर फॉल के लिए था आई गेस, बट स्टिल उसने मेरे बालों में यू नो काफी शाइन वगैरह ला दिया था। तो अब उसको भी लगाए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर हेयर मास्क जो मैंने मंगा लिया, बिकॉज यू नो 6 ट्रायल पॉइंट्स थे तो कुछ ना कुछ तो मंगाना ही था। आई एम अ पर्सन हु रियली डजंट डू मेकअप एंड ऑल, मुझे सिर्फ स्किन केयर, अपना हेयर केयर पे ज्यादा बेसिक ध्यान देना पड़ता है। तो मैं सिर्फ वही आइटम ज्यादा मंगाती हूँ जो एक्चुअली मेरी स्किन पे सूट होते हैं और जो मेरे हेयर को यू नो अच्छा बना देते हैं। तो आई एम अगेन रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस आइटम। अगर आप इसको लेने जाओगे प्लम की वेबसाइट पे तो ये आपको पड़ेगा 150 रुपए का। सो गाइज, अपना जो है, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो प्लीज सिमिटन यूज करो मेरी तरह। ओके, सो द नेक्स्ट आइटम इज अ सनस्क्रीन विच इज 35 SPF ग्रीन टी सनस्क्रीन है ये, डे लाइट सनस्क्रीन, और ये एक्चुअली 200 की थी तो मुझे ये दो 12 पॉइंट की पड़ी है, बट आई एम रियली हैप्पी विद दिस, बिकॉज सनस्क्रीन तो सबको चाहिए होती है। और जो मैंने लास्ट ममा अर्थ की मंगाई थी आई थिंक वो खत्म हो चुकी है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा सनस्क्रीन लगाती हूँ और आप मेरे फेस को देख के समझ ही जाओ, बिकॉज मतलब मुझे पता नहीं क्यों आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद द सनस्क्रीन, एंड मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद होता कि यू नो मैं ऐसी बाहर चल जाऊँ, बिकॉज ऑफ सो मच पोल्यूशन इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली, सो यस मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं जा सकती हूँ, तो मुझे इसलिए SPF चाहिए। ये 50 नहीं है, ये 35 है जो मैंने लास्ट मंगाया था ममा अर्थ का, वो SPF 50 था फॉर इंडियन स्किन, बट दिस इज ऑल्सो गुड। आई मीन SPF 35 इज ऑल्सो नॉट दैट बैड। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम सिमिटन, एंड गाइज ट्रस्ट मी आई एम रियली हैप्पी विद दिस परचेज ऑफ माइंड, बिकॉज ये सब मुझे अगेन सिर्फ 30-40 रुपीज का पड़ा है, और जो बाकी जो है पैसे वो आप चाहो तो आपको कैशबैक मिल सकता है, बट मैंने कैशबैक फिर से नहीं लिया है। मैंने अगेन अपने 6 ट्रायल पॉइंट दोबारा ले लिए हैं, बिकॉज यू नो मुझे, मैं इसे ऑर्डर वॉर्डर करती रहती हूँ, सो आई रियली नीड मोर ट्रायल पॉइंट्स so that I can buy more samples like these, because these are like totally worth it, and I'm really looking forward to try all these. अगर आपको मतलब यू नो इन सब के रिव्यूज चाहिए हों तो प्लीज़ जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज मैं ऑफकोर्स देने वाली हूँ, बिकॉज मैं ये ट्राई करूँगी। अभी तो मैं इनको ट्राई नहीं कर रही हूँ,
बिकॉज मेरे पुराने प्रोडक्ट अभी यू नो रहते हैं, तो अब जब वो फिनिश हो जाएंगे तभी मैं इन पे यू नो लगाना स्टार्ट करूंगी। बट अगर आपको इसका रिव्यूज चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अभी से ही इनको लगाना स्टार्ट कर दूंगी फॉर यू गाइज। सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, एंड अगर आप चाहते हो मैं रिव्यू वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे बता देना, और जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज, एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज। थैंक यू सो मच, बाय।